एटीएम के लिए कहना बहुत मुश्किल है अर्षदा। और आईपीओ के समय भी हमने आईपीओ नोट इस कंपनी के ऊपर इसलिए निकाली नहीं थी क्योंकि मूल्यांकन को लेकर के हमें थोड़ी बहुत चिंताएं थी। और बाकी जो नाम आपने जिक्र किए, तो कल मैं आपसे जुड़ा था, मेरे ख्याल से परसों, कल सुबह मैं जुड़ा था शो में, तभी मैंने माइंडट्री का जिक्र किया था। और बाकी जो इन्हें नाम है, जोमैटो को जो अभी बात कर रहे थे तकनीकी तौर पर, तो बुनियादी स्तर के आधार पर यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे काफी कम लगते हैं और मध्यम अवधि में लग रहा है कि करीबन 120 125 के तरफ जा सकता है। पर अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो ये शायद फिर से जो सर्वोच्चम स्तर था उसके पास जा सकता है। मोमेंटम ट्रेड रहेगा ये स्टॉक का, लेकिन गियर शिफ्ट करने की बारी आ रही है। नेचुरल गैस के दामों में इजाफा का ऐलान हो चुका है। सरकार ने दरअसल कह दिया है कि 1 अप्रैल से नेचुरल गैस के दाम बढ़ेंगे। इसमें इनफैक्ट बस इस अनाउंसमेंट का ही इंतजार था। जिस तरह से ग्लोबल प्राइसेस में इजाफा देखने को मिला है, वो डेट वैसे भी करीब आ रही थी कि नेचुरल गैस के दामों में इजाफा होगा। और सरकार ने कह दिया है कि गैस कीमतों में बढ़ोतरी होगी। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे ट्रेड्स पर आप ध्यान दीजिएगा, उनके लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है। गैस से जुड़ी हुई कंपनियां, जो गैस सप्लायर्स हैं, उनके मार्जिन्स पर डेफिनेटली प्रेशर कुछ आता हुआ दिखाई देगा, अनलेस ऑफ कोर्स ये पास ऑन कर दें। एक चीज आप और याद रखें कि गैस कंपनियों, गैस के जो जो इनपुट कॉस्ट के तौर पर गैस को इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से वो सेरेमिक प्लेस, उनके लिए ये एक नेगेटिव रहेगा। नीरज बाजपाई सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही क्षणों में, दरअसल इस पर और डिटेल में बात करने के लिए। लेकिन गैस प्राइस हाइक का, इस खबर का वैसे इंतजार था और ये डेवलपमेंट आ चुका है। गौरांग, ये किसके लिए फायदेमंद और किससे दूर रहने का ट्रिगर? तो जो भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके साथ साथ मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले ही आप ही के चैनल पर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आईजीएल का मैनेजमेंट जुड़ा हुआ था और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था अर्शदा के आने वाले दिनों में जो दाम है गैस के वो बढ़ा दिए जाएंगे जिस तरीके से इजाफे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं। तो हमारी जो पसंद है इस क्षेत्र में है वो 3 या 4 कंपनियां हैं, महानगर गैस लिमिटेड एमजीएल, आईजीएल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जीएसपीएल, गुजरात गैस और पेट्रोनेट एलएनजी। और ये मात्र एक शुरुआत है अर्षदा। मेरे ख्याल से सरकार जिस तरीके से नीति बना रही है वितरीकरण के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप शहर के बाहर चले जाते हैं तो ऑल्टरनेटिव क्लीन और ग्रीन फ्यूल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन बराबर है। तो ये उनके लिए तो जो पास थ्रू अगर करेंगे तब फायदा होगा ना, क्योंकि ये तो आइडियली गैस मैन्युफैक्चरर जो है उनसे खरीदेंगे, तो इनके तो मार्जिन्स प्रेशर में आएंगे अगर ये पास ऑन नहीं कर पाएंगे एमजीएल आईजीएल। आखिरकार ये पास ऑन होगा क्योंकि आप एक तरफ देख लीजिए जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, तो जब तक, और आप एक उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बोलूं अर्षदा, तो पिछले 7 दिनों में 6 बारी हमने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए देखे हैं। उसी लिहाज से मेरे ख्याल से जो वितरीकरण या फिर जो गैस उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनको ये जो पास ऑन करना है वो करना ही पड़ेगा। सो ओवरऑल मैं ये बता रहा हूं कि जो